हिस्सों के नाम को। ओके, इसे कहते हैं जिस्म के हिस्सों के नाम। आज हम करेंगे ओनली फाइव। ठीक है, जिस्म के हिस्सों के नाम जैसे है, फिंगर है, ठीक है, आई है जिसे आप कहते हैं, ठीक है, नोज है, लिप्स है, फुट है, ये सारे जिस्म के हिस्सों के नाम है, यानी के पार्ट्स ऑफ बॉडी। आज हम करेंगे फाइव करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या लिखेंगे? लिप्स। क्या लिखेंगे? लिप्स। आपको बता दें कैसे लिखना है, ठीक है, पेंसिल को थोड़ा सा पीछे से पकड़िएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एल। लिप्स की स्पेलिंग है एल आई पी एस, लिप्स। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एल। एल कैसे लिखना है? स्ट्रेट लाइन में, आपके फर्स्ट ही लाइन में ऐसे करिए, ठीक है, और स्लीपिंग लाइन एल। आई लिखेंगे दरमियान वाली जो दो लाइन है उनमें लिखेंगे आई, तिरछी लाइन लगा के फिर स्ट्रेट लाइन अंडरग्राउंड आई, आई के ऊपर डॉट, और इसी तरह आई के साथ ही ज्वाइन करके पी बनाना है तिरछी लाइन लगा के, सेकेंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर राउंड करके देन स्ट्रेट लाइन। पी बनाने के लिए यहाँ से उठाना पेंसिल को, राउंड एंड देन स्ट्रेट। इसी तरह आपने पेंसिल को नहीं उठाना, तिरछी लाइन लगानी है एस लिखने के लिए, थोड़ी सी लाइन से ऊपर एंड देन लाइन के ऊपर से राउंड उल्टा सी और देन लाइन, इसमें छुट्टी। ये हो गया फर्स्ट हमारा पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी हम जो कर रहे हैं उसका जो हमने फर्स्ट लिखा है लिप्स। क्या लिखा है? लिप्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे नोज। नोज कैसे लिखेंगे? नोज के स्पेलिंग है एन ओ एस ई। सबसे पहले लिखेंगे एन। एन कैसे लिखना है? स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, जिसे स्टैंडिंग लाइन कहते हैं, तिरछी लाइन, स्टैंडिंग लाइन जिसे कहते हैं, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक एंड देन थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक। ये हो गया हमारा एन। एन के बाद आएगा ओ। ओ कैसे लिखना है? ओ बहुत आसान है, दरमियान में जो दो लाइन है उन्हें भी लिखना है, प्यारा सा करके राउंड बनाना है और देन राउंड करके इस तरह, ठीक है, ओ लिख लिया। एन ओ एस बनाना है, यहाँ से एस लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा लिप्स, फिर हमने लिखा नोज, ठीक है, फिर हम लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। आई कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे ई, स्ट्रेट लाइन, देन स्लीपिंग लाइन थ्री एंड वाई लिखेंगे। वाई कैसे लिखते हैं? सेकेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना राउंड करके, स्ट्रेट लाइन एंड देन राउंड, और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन, जितना हमने ऊपर का उपाय था यहाँ से राउंड किया था उतना ही यहाँ से राउंड करके तिरछी लाइन एंड देन इधर तक लेके आनी है सेकेंड लाइन तक, और यहाँ से ई बनाना है राउंड करके, ई वाई ई आई, ई वाई ई आई। आई जिसे कहते हैं आपको, ठीक है, ई वाई ई आई। नेक्स्ट हम करेंगे फुट। एफ डबल ओ टी फुट। फुट की क्या स्पेलिंग है? एफ डबल ओ टी फुट। एफ कैसे लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ई की तरह ही, टू स्लीपिंग लाइन लगाएंगे एफ की इस तरह करके, ठीक है। डबल ओ कैसे लिखेंगे? दरमियान वाली जो दो लाइन है उन्हीं को हम यूज करेंगे, प्यारा सा करके ओ बनाएंगे, इसी तरह राउंड करके इधर से ही एक और ओ बनाएंगे, एफ डबल ओ लिखना है ना इस तरह, और फिर यहाँ तक लाइन लेके आके देन स्ट्रेट लाइन एंड राउंड और टी की स्लीपिंग लाइन, एफ डबल ओ टी फुट। क्या बना? एफ डबल ओ टी फुट। लास्ट हम लिखेंगे लेग, ठीक है। क्या लिखेंगे? लेग। लेग की क्या स्पेलिंग है? एल ई जी लेग। क्या स्पेलिंग है? एल ई जी लेग। लेग कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एल। एल प्यारा से करके लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है, और देन स्लीपिंग लाइन। फिर ई कैसे लिखेंगे? तिरछी लाइन लगानी है थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक एंड देन राउंड कर देना सी की तरह। ये हमारा बन गया ई। इसी तरह लाइन को थोड़ा ऊपर लेके जाना है इधर से ही, ऐसे जी बनाना है, जी का प्यारा सा राउंड करके ए की तरह, जिस तरह ए में स्पेस होती है इसी तरह जी में भी स्पेस हो, राउंड करना है जितना हमने फर्स्ट राउंड किया उतना ही इस तरह राउंड करना है। ये हो गया हमारा लेग, एल ई जी लेग। आज हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी किए, यानी कि जिस्म के हिस्सों के नाम जो किए ना, ठीक है, वो जस्ट फाइव किए, ओनली फाइव।
लिप्स, फिर साथ पढ़ें एल आई पी एस लिप्स, क्या बना लिप्स। नेक्स्ट है नोज एन ओ एस ई नोज एन ओ एस ई नोज। नेक्स्ट है आई, आई आपको पता है आंखों कहते हैं ई वाई ई आई ई वाई ई आई। नेक्स्ट है फुट एफ डबल ओ टी फुट एफ डबल ओ टी फुट। नेक्स्ट है लेग एल ई जी लेग एल ई जी लेग। क्लास में पढ़ा देती हूँ लिप्स एल आई पी एस लिप्स एन ओ एस ई नोज ई वाई ई क्या बना आई एफ डबल ओ टी